आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हम पढ़ेंगे मीरा, यानी प्राचीन काव्य जो पुस्तक है उसमें आपके पहला भाग पढ़ेंगे आज मीरा का। बहुत ही रोचक टॉपिक है और इसमें हम इस प्रकार की बातें भी जानेंगे, यानी ये आज का जो टॉपिक है इसमें एक बात हम विशेष जानेंगे। आज का टॉपिक मतलब रोचक बात, मीरा ने तुलसीदास को जो पत्र लिखा था। मीरा ने तुलसीदास, जब मीरा बहुत अधिक यानी परेशान हो गई थी, तब उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। तो उस पत्र में क्या लिखा था और फिर तुलसीदास ने उसका क्या जवाब दिया था, उन दोनों पत्रों को भी आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही रोचक है। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, देखिए मीरा का जीवन परिचय जानेंगे, मीरा के काव्य की विशेषताएं जानेंगे जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यानी यहीं से आपके सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जब चैप्टर आपके क्लियर है, इसका मतलब मीरा का कोई प्रश्न आ गया तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। मीरा के पदों की व्याख्या, पदों की व्याख्या में आज हम क्या है कि जीवन परिचय, विशेषताएं, तुलसीदास वाला पत्र और इसके साथ साथ जैसे पदों की व्याख्या, इसमें 6 ही पद कर पाएंगे। और अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो यानी वीडियो होगा, उसमें मीरा के काव्य से मुख्य प्रश्न और उत्तर, उनके 3 ऐसे प्रश्न हम चुनिंदा 3 प्रश्न डालेंगे जो आपकी परीक्षा में आने के लायक हो, यानी परीक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनने वाले हो, उन प्रश्नों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो मीरा का पूरा ज्ञान हम उस टॉपिक के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे, यानी 2 वीडियो हमें पढ़ना होगा। आज पहला वीडियो है जिसमें हम मीरा के जो पत्र को पढ़ेंगे, यानी मीरा तुलसीदास को क्या पत्र लिखती है, जीवन परिचय पढ़ेंगे, मीरा को पत्र लिखना क्यों पड़ा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय हम देखते हैं, देखिए जीवन परिचय में सबसे पहले यदि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मीरा का जीवन परिचय बहुत संघर्षपूर्ण था, और चैनल के बारे में भी आपसे बता दूं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बटन दबा दें बेल आइकन वाला, ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं मीरा का जीवन परिचय सबसे पहले और फिर उसका पत्र पढ़ते हैं। मीरा का जन्म हुआ था 1555 विक्रम संवत से 1620 विक्रम संवत, यहां लिखा हुआ है अपने जो कॉलेज की बुक है उसमें। लेकिन जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की जो अभी वर्तमान की पुस्तक है, यानी आरओ जो पुस्तक है, आरओ भागवन, उसमें आपके 1498 से 1546 लिखा हुआ है, यानी इसमें मीरा की उम्र 48 वर्ष बैठती है, जबकि इसके अनुसार 45 और 20 65 वर्ष बैठती है। अब इनमें दोनों में विसंगति है, तो अब आप देखेंगे कि क्या है। यदि विक्रम संवत है, हालांकि ये ईस्वी सन है, लेकिन अगर मान लो ईस्वी सन तो ये विक्रम संवत है, जन्म तो सही बैठता है, दोनों का 1555 यानी 1498 है। 1498 में से यदि हम 1555 निकालते हैं तो वही, यानी जैसे मान लो वही बात रहती है, 15 में से 8 गए 7, यानी 1497-98 बैठती है। लेकिन यहां डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, यहां डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, तो हमें कौन सा मानना है, हमें ये बोर्ड वाली माननी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों में जहां कहीं भी देखा है तो 1498 से 1546 ही देखा है, और वो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ही उस हिसाब से हमें यही देखना है। तो इसके परिचय में देखिए सबसे पहले क्या है, मीरा का जन्म मारवाड़ रियासत के कुटकी नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा कि माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदा जी के पास मेड़ता में हुआ। यदि हम 1498 ईस्वी में देखते हैं और तुलसीदास वाले पत्र की बात करते हैं, तो तुलसीदास का जन्म है वो कब से कब तक हुआ था, यानी 1532 ईस्वी से लेकर के और 1623 ईस्वी के बीच बैठता है। उनका कहां से कहां तक बैठता है, 1532 से 1623। अब देखिए 1532 में यदि इस हिसाब से देखें तब तो ये जीवित थी मीरा, उस हिसाब से भी जीवित थी, वैसे यदि 68 साल की उम्र होती है तो बहुत होती है। तो यानी 1532 में मीरा है वो कितने साल की थी, 1532 में मीरा है वो लगभग 34 वर्ष की थी, है ना, 34 वर्ष की थी उस समय उनका जन्म होता है 1532 से 1623 में। अब वो मीरा किस कैसे पत्र लिखती है, कब लिखती है, इसके बारे में थोड़ा है तो विवादित, लेकिन फिर भी जब हम लेखों में पढ़ते हैं तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको वो पत्र ही सुना देता हूं, फिर हम इसका परिचय देखेंगे कि क्या परिचय है। देखिए मीरा जब बहुत अधिक उकता गई थी तब उन्होंने क्या किया था,
तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, वो पत्र इस प्रकार था। वो पत्र था, मीरा लिखती है कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोई, साधु संग अरु भजन करत मोई देत कलेश महाई, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहां उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। यानी उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे जो घर वाले हैं वो बहुत अधिक दुख दे रहे हैं, और मैं जब भगवान की भक्ति कर रही हूं तो मेरे भक्ति में ये बाधाएं डालते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास जी ने उनको उत्तर में क्या लिखा था वो देखिए। तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तर में क्या लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदे ही, जाके प्रिय न राम वेदे ही, तजिए ताहि कोटि बेरिशम जपती जडपी परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम और सीता अर्थात भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले हैं उनको करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दीजिए, चाहे वो कितने ही परम स्नेही हो, चाहे कितने ही घर वाले हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण भ्रात भ्रत महतारी, यानी तजो पिता प्रहलाद, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया था, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था, और बलिगुरु तजो ब्रज बनितन ही भयभूत मंगलकारी, और बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, और गोपियों ने हमारे पतियों तक को उनके पतियों तक को छोड़ दिया था, और श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई थी, और भय मुद मंगलकारी अर्थात उनके लिए हमेशा समय आनंदमय रहा था। तो आपको भी क्या करना है, यानी अंजन कहां आंख जय फूटे, मतलब इन्होंने आगे भी ये कहा है कि वो ऐसा कौन सा अर्थात वो काजल किस काम का जिसको आंखों में धारण करने पर आंख फूट जाती है। तो हमें इस प्रकार का तो काम करना ही नहीं है, अगर वो बाधा डालते हैं तो उनको छोड़ दीजिए। तो अब हम देखते हैं मीरा ने इस प्रकार लिखा था और उन्होंने उत्तर ये दिया था। अब हम देखते हैं इनकी परिचय। परिचय में क्या है, इनका लालन पालन दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ, और ये अपने पिता रतन सिंह की इकलौती बेटी थी। दादा का भगवत भक्ति में भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। राधुदा जी जब स्वयं जो भगवान भगवान की भक्ति किया करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, तो उनका प्रभाव है उनके मीरा पर भी पड़ा, और बचपन से ही प्रभु प्रेम में वो मतवाली हो गई थी, और श्री कृष्ण के साथ ये बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया था। और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। उनके पति का नाम क्या था, भोजराज था, और भोजराज क्या है कि युद्ध में काम आ गया था, और ये शायद बात है यानी जैसे 1715 यही कहीं शायद हो गए होंगे। और इस वैवाहिक जीवन का उपभोग अधिक समय तक नहीं कर सकी, और विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसने वैधव्य ने आ घेरा, यानी उनके पति है वो युद्ध में काम आ गए थे, और युद्ध में काम आ गए तो मीरा की उम्र उस समय 20 के ही अंदर होगी, 20 से भी कम थी। तो अब क्या है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उस समय जैसे पुनर्विवाह का कोई सिस्टम नहीं था, तो वह तो अब कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई, अर्थात अपनी कृष्ण भक्ति में और अधिक रंग गई, और भक्ति उनके जीवन का एक संबल बन गई थी। कृष्ण को उन्होंने अपने पति के रूप में ग्रहण कर लिया था, उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्योछावर कर दिया, समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उन्हें अनेक परेशानियां हुई, लेकिन साहसी तथा मीरा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब वो राजघराने से संबंधित थी तो उस समय औरत जो है वो बाहर निकलना तक मुनासिब नहीं था। तो उस समय जब वो साधुओं के साथ रहना, प्रवचन करना, इस प्रकार के काम जो है वो बहुत ही अधिक कठिन थे, लेकिन फिर भी मीरा ने यानी उन संघर्षों का सामना किया। विष के प्याले को वे त्रिणामत समझकर पी गई, राणा ने उसे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, और जब विष उस पर असर नहीं कर पाया, अर्थात जहर का उन पर असर नहीं हुआ, तो उन्हें अपनी भक्ति पर पूर्ण भरोसा हो गया। और जब उनके उनके लिए पिटारे में एक विषधर सांप भेजा गया, और जब उसने उसको हाथ लगाया तो वे शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, श्री कृष्ण की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, और जो कांटों की जो सैया थी वो फूलों की सैया बन गई। इस प्रकार की किंवदंतियां हमें पढ़ने को मिलती है। तो ये सब जो है इनकी हम इतना जरूर कह सकते हैं, और ये कहा जाता है कि 1546 में वह यानी अपने द्वारिका में श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, ऐसा ही लिखा हुआ है।
यानी श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, या यूं कह सकते हैं कि वही उनकी उनका देहांत हो गया था। इसकी जो रचनाएं हैं वो है नरसी जी रुमायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा माई कमलार, राग शोरठ के पद, मीरानी मीरा के पद, ये सात रचनाएं वो है देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, अब हम इसकी काव्यगत विशेषताएं, ये आपके प्रश्नों से संबंधित है कि मीरा का काव्य सौंदर्य लिखिए। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है मीरा का काव्य सौंदर्य लिखिए, मीरा का शिल्प सौंदर्य लिखिए, मीरा की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान है। उनके काव्य में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली है माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति देखिए, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और वह स्वयं उनकी पत्नी बनी है। उसने एक यानी अपने एक भजन में कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी उन्होंने स्वयं उनको उनकी पत्नी माना है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, अर्थात श्री कृष्ण को उन्होंने पति मान करके भक्ति की है। अपने आराध्य के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी है और प्रमुखता उनके विनय निवेदन के पदों की है, जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण है, और कृष्ण से उनका प्रेम जो है वो अटल है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के लिए वह यानी हर संकट है वो झेलने को तैयार है। उनके काव्य में प्रकृति का वर्णन भी है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। देखिए, आलंबन भाव, उद्दीपन विभाव, यानी जब हम रस में पढ़ते हैं ना, भाव विभाव है ना, तो आलंबन के रूप में मीरा क्या है कि प्रकृति में ही ईश्वर के दर्शन करती है, और उसे चाहे वो कहीं भी हरियाली देखती है या कहीं भी प्रकृति का रूप देखती है, तो उसमें श्री कृष्ण दिखते हैं और वो श्री कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है। जैसे घनघोर घटाएं है, घनघोर वर्षा है, जैसे घटाएं है, घनघोर वर्षा है, चातक की पुकार है, ये सब विरही प्राणों को में चित्कार बनकर के कड़क उठी है उनके काव्य में। ये सब जैसे पपैया पपैये को पुकार करके कहती है कि तू पीऊ पीऊ की वाणी मत बोल, यानी बहुत सारे जो गीत हैं, भजन हैं, उनमें हम मीरा की विरह भावना को देख सकते हैं। इसके अलावा उनके काव्य की विशेषताएं हैं गेय शैली में पद रचना। मीरा के पद गेय है, उसका काव्य गीति काव्य है, अर्थात गाने योग्य हैं, वो गाने वाले हैं। उसके पदों में सरसता है, सुगमता है और प्रवाह है, अर्थात प्रत्येक पद एक प्रवाह से चलता है। भक्त लोग आज भी इसके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं। हम भी गाकर देखेंगे इनका एकाध पद, हम भी गाकर के देखेंगे कि कितना आनंद आता है। इसके अलावा इनकी भाषा की विशेषता, इनकी काव्य की विशेषता है बोलचाल की भाषा का अनूठा प्रयोग। कवि वही सफल होता है जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। यदि वो जैसे पांडित्य प्रदर्शन में घुस जाता है तो फिर उसका काव्य फ्लॉप हो जाता है। मीरा की भाषा व्यवहारिक है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। ब्रज राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण है। माधुरी और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाह में है। गुण आपने देखा होगा तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद। औज गुण के तो इसमें है नहीं, औज का मतलब होता है वीर रस, लेकिन माधुर्य और जो प्रसाद है वो दोनों गुण इसके काव्य में देखने को मिलते हैं। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग, मीरा के पदों में भावों के अनुरूप अलंकार भी आए हैं, मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, सहज स्वाभाविक रूप में हुआ है, और इसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ करके वो अलंकार का प्रयोग किया, वो सहज ही जो आ गए हैं वो आ गए हैं। इसके अलावा उनकी भक्ति में निर्गुण भक्ति, यानी वैसे ये सगुण भक्त हैं। भक्त दो प्रकार के, निर्गुण और सगुण। तो ये सगुण भक्त हैं, लेकिन फिर भी इसके काव्य में निर्गुण भक्ति का निरूपण भी मिलता है। कैसे? मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन भी किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुरी भाव का समावेश है, वहीं मीरा के प्रभु अविनाशी है। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव ले लिया है, अर्थात मीरा के पदों में हम सरस भाव देखने को हमें मिलते हैं। तो इतना अच्छा। और अब तीसरा पॉइंट जो है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनका इनके पदों की रचना। क्या कहते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे
नंदलाल मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजति उर्वे जंती माल, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित नुपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत पछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है तो इसमें आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है, व्याख्या के बाद में आप इसको विशेष लिखना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद है मीरा द्वारा विरचित मीरा पदावली से लिया गया है। प्रस्तुत पद मीरा द्वारा विरचित मीरा पदावली से लिया गया है और इसमें मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति, आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय देती है, अनन्य भक्ति का परिचय देती है और बालक या श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनसे ये प्रार्थना करती है कि आप मेरे नैनों में बस जाओ। सबसे पहले मीरा कहती है, बसो मेरे नैनन में नलाल, अर्थात हे श्री कृष्ण तुम मेरी आंखों में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, अर्थात मन को मोहित करने वाली और ये सांवरी सी सूरत और आपके नैना बने विशाल, अर्थात विशाल नेत्र, सांवरी सी सूरत और मन को मोहित करने वाली ये मूर्ति मेरे नैनों में बस जाए, अर्थात मेरे हृदय में बस जाए। मैं इसी याचना करती हूँ, इसी प्रार्थना करती हूँ। अदर सुधारस मुरली राजति उर्वे जंती माल, हे श्री कृष्ण अदर सुधारस मुरली राजति, अर्थात आपके होठों पर बंसी है, विराजमान है, पूर्व वैजंती माल वक्ष स्थल पर आपके वैजंती माला है, शूद्र घंटी का कटी तटशोभित, शूद्र घंटी का कटी तटशोभित अर्थात कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित है, शूद्र यानी छोटी छोटी घंटियां सुशोभित है और पैरों में नूपुर शब्द रसाल, अर्थात पैरों में आपके जो घुंघरू है उनसे जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ही मधुर है, अर्थात पैरों से घुंघरू के शब्द जो है, घुंघरू की जो ध्वनि है वो भी रसीली है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, और मीरा अंत में मीरा बाई कहते हैं कि हे श्री कृष्ण तुम संतों को सुख पहुंचाने वालों हो, भक्तों से स्नेह रखने वाले हो, तो मेरे नैनों में बस जाओ। इसकी विशेष क्या है इसमें देखिए, विशेष पहला तो यही है कि कृष्ण की शोभा और सौंदर्य का बहुत ही सरस वर्णन किया गया है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और आप इसमें लिखेंगे राजस्थानी एवं ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका विशेष हो गया। अगला पद देखिए, अगले पद में है, अगले पद में लिखे हैं कि हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आसरो नाहिन तुम मेरे तीनों लोक मंझार, आप बिना मोई कछ नु सुआवेर निरिख्यो सब संसार, मीरा के में दासी रावरी दीजू मती विसार। ये भी आपको प्रसंग तो वैसे ही लिखना है और व्याख्या करनी है आपको विशेष लिखना है, तो प्रसंग में तो आपको वैसे ही लिखना है कि ये विरचित मीरा द्वारा विरचित मीरा पदावली में से लिया गया है जिसमें अपने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को अर्पण करती हुई या श्री कृष्ण के प्रति अपने जीवन को अर्पित करती हुई मीरा अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय या अनन्य भक्ति के प्रति या अनन्य भक्ति का परिचय दे रही है। व्याख्या में कहते हैं कि हरि मेरे जीवन प्राण आधार है, हे श्री कृष्ण आप तो मेरे जीवन के प्राण आधार है, अर्थात मुझे जीवन देने वाले हैं, और आसरो नाहीन, आश्रय मतलब आश्रय, आपके बिना मेरा आश्रय कहीं भी नहीं है, तीनों लोक मतलब तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे आश्रय देने वाला कोई नहीं है, आप बिना मोहि कछु न सुआवे निरिख्यो सब संसार, मैंने पूरे संसार को देख लिया है लेकिन आपके बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लगता है, मेरा अर्थात आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैंने इस संसार को देख लिया है क्योंकि ये सारा संसार ही असार है,
इस असार संसार को देख करके आपके बिना मुझे कोई भी सुहाता नहीं है। मीरा कहे मैं दासी रावरी दीजो मति विसार बाई, अर्थात मीरा जो है श्री कृष्ण से विनती करती हुई कहती है कि मैं आपकी दासी हूं, आप मुझे भूल मत जाना। विसार यानी भूल मत जाना। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और इसमें देखिए इस पद में भाव पक्ष की प्रधानता है, जिसके कारण जैसे समर्पण विवशता साकार हो उठे। इसमें मीरा के समर्पण और जो विवशता है वो साकार हो गए। अर्थात इस पद में हम देखते हैं कि मीरा जो है वो संसार से ज्यादा दुखी थी, संसारिक लोग है उसे ज्यादा दुखी दे रहे थे, इसलिए वो ज्यादा दुखी थी। इसके अलावा भाषा राजस्थानी यानी ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, और इसमें कई कई शब्द गुजराती के भी आ जाते हैं, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अगला पद देख लीजिए। अगले पद में लिखा है तनक हरि चित्वो जी मोरियो, हम चित्वत तुम चित्वत नाही दिल के बड़े कठोर, मारी आशा चित्वनि तुमरी ओरन दूजी ठोर, और तुम शेष हमकू तो तुम ही हो हमसी लाख करोड़, और उबी ठाड़ी अरज करत हूं अरज करत भय भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दियूंगी प्राण अकोर। देखिए कितनी अच्छी बात कही है मीरा ने, बात वही है, आपको प्रसंग वैसे ही लिखता है। मीरा पदावली से विरचित है, और इसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देते हुए श्री कृष्ण को ही सब कुछ ठहराया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति भक्त वत्सलता दिखाई है। इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो कहेंगे कि मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे आराध्य श्री कृष्ण, तनिक हरिचित्वो जिमर, अर्थात कुछ समय के लिए आप मेरी ओर देख लो, कुछ समय के लिए मेरी ओर दृष्टि कर लो, हम चित्वत तुम चित्वत नाई, अर्थात हम तो आपको देखते हैं लेकिन आप हमारी ओर नहीं देख रहे हो, तुम दिल के बड़े कठोर, अर्थात तुम कठोर दिल हो, आप इतने कठोर दिल हैं कि मैं आपको बार बार पुकार रही हूं, आपकी तरफ देख रही हूं लेकिन तुम एक पल भी मेरी तरफ नहीं देखते हो, मारी आशा चित्वन तुमरी ओरन दूजी ठोर, अर्थात मेरी आशा है वो आपको देखना ही है और दूसरी ओर कहीं पर भी नहीं है, अर्थात प्रतिक्षण में आपको ही देखना पसंद करती हूं, और तुमसे हमको तो तुम ही हो हमसी ला करो, हे श्री कृष्ण, हे आराध्य देव, अर्थात हमारे लिए तो सिर्फ आप ही हो, तुमसे हमको हो तुम ही, अर्थात आप जैसे हमारे लिए इस संसार में तुम ही हो, और हमारे जैसी तो आपके लिए लाखों करोड़ों मिल जाएगी, अर्थात आपके जो भक्त तो बहुत होंगे लेकिन हमारे लिए तो श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है। वो भी ठाड़ी अरज करत हूं अरज करत भय भोर, अर्थात मैं एक पैर पे होकर के और कितने समय से आपको प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, और विनती करते करते भोर हो गया है, अर्थात विनती करते करते सुबह हो गई है, विनती करते करते सुबह हो गई है लेकिन आपने मेरी सुधि नहीं ली है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दूंगी प्राण अकोर, और काफी समय बीत गया है, हे अविनाशी यदि आप मेरी ओर दृष्टि करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, इसलिए मेरे इस निश्चय को जानकर मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए और आप मुझे तनिक देख लीजिए। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखें तो अविनाशी शब्द का प्रयोग जो है, अविनाशी जो शब्द है इसका प्रयोग जो है यानी निर्गुण भक्तियों के लिए, निर्गुण भक्ति के दर्शन होते हैं, अविनाशी शब्द के माध्यम से निर्गुण भक्ति के दर्शन होते हैं, और मीरा की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता दृढ़ता व्यक्त की गई है। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। एक पद और देख लेते हैं, इसके बाद हम कल ही करेंगे। नैना लोभी रे बहुरी शके नहीं आए, रोम रोम नक्षिक सब निरखत लालच रहे ललचाए, मैं ठाड़ी गृह आपने रे मोहन निक्षे आए, सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्कान। देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग कुटुंबी ब्रज ब्रज ही बतियां कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हत गए बिकाए, पर हत गए बिकाए, भली कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीश चढ़ाए, मीरा के प्रभु गिरधर बन के और पल भर रयो न जाए, नैना लोभी रे
बहुरी सके न आए। कितनी अच्छी बात कही है, नैना डोबी रे बहुरी सके नहीं आए, नैना डोबी रे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत ललच रहे ललचाई, नैना डोबी रे बहुरी सके नहीं आए। मतलब इस प्रकार आप इस पद को गा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसकी व्याख्या करेंगे हम। देखिए व्याख्या करते हुए मीरा क्या कहती है। मीरा कहती है कि रूप सौंदर्य के लोभी जो मेरे नेत्र हैं, नैना लोभी अर्थात रूप का पान करने वाले मेरे जो नेत्र हैं, वो कृष्ण के मधुर रस में भटक गए हैं। नैना लोभी बहुरी सके नहीं आए अर्थात मेरे श्री कृष्ण को देख करके और उनके रूप माधुर्य पर अटक गए हैं, अब वापस आ ही नहीं रहे। रोम रोम नख सिख सब निरखत और लालच रहे ललचाए। और फिर वो आगे कहती है कि नख से सिख तक रोम रोम में व्याप्त श्री कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का अवलोकन कर लेने पर भी इन रूप लोभी नयनों की तृप्ति नहीं हुई है। रोम रोम नख सिख न सब निरखत, श्री कृष्ण के प्रत्येक रोम रोम को निरख करके, नख से सिख तक के को देख करके फिर भी ये उसके रूप सौंदर्य का पान करना चाह रहे हैं अर्थात तृप्ति नहीं हुई है। मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे मोहन निक्षे आए, मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे मोहन निक्षे आए, अर्थात क्या कह रही है ये कि मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी, मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे मोहन निक्षे, मैं तो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और अचानक उधर से श्री कृष्ण आ गए, मोहन निक्षे आए, अचानक उधर से मोहन आ गए, श्री कृष्ण आ गए, सारंग ओट तजे कुल अंकुश, और उन्हें देखते ही मैं तो कुल की लाज का अंकुश छोड़कर घूंघट की ओट से ही उन्हें निरखने लगी। सारंग ओट तजे कुल अंकुश और बदन दिए मुस्कान, अर्थात देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस लाइन में मीरा ने कि सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्कान, यानी मैंने तो लोक लज्जा के कारण श्री कृष्ण को यानी अपने नेत्रों पर पर्दा कर लिया, लेकिन बदन दिए मुस्कान अर्थात मेरे शरीर पर भी इस प्रकार की आंखें हो गई कि उन्हें देख करके शरीर भी मुस्कुराने लग गया, बदन दिए मुस्कान और वो मुस्कुराने लगे, अर्थात लोक और परिवारजन बार बार मना करते हैं, लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कैत बनाए, लोक कुटुंब अर्थात मेरे कुटुंब वाले लोग जो है सांसारिक लोग है वो बार बार मना करते हैं और हर तरह की बातें बनाते हैं, चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हत गए विकात, परंतु मेरे ये चंचल नेत्र इनको कोई रोक भी नहीं सकता और ये तो श्री श्याम के हो गए हैं, पर हाथ भी गए विकार अर्थात उनके हाथों बिक गए हैं, उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए हैं तो अब उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, बलि कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीश चढ़ाए। आगे ये कहती है कि श्री कृष्ण के बारे में अर्थात हे सखी मुझे चाहे कोई भला कहे या बुरा कहे अर्थात मुझे मेरी निंदा करे या मेरी स्तुति करे, सभी को मैंने सादर शिरोधार्य कर लिया है, सब लई शीश चढ़ाए अर्थात सभी को मैंने स्वीकार कर लिया है, चाहे किसी ने मेरी निंदा की है चाहे किसी ने मेरी बड़ाई की है, सभी को मैंने स्वीकार कर लिया है, मीरा के प्रभु गिरधर के बिन पल भर रयोन जाए। मीरा कहती है कि अपने प्रभु गिरधर के बिना श्री कृष्ण के बिना अब तो एक पल भी नहीं रहा जाता है, एक पल भी नहीं रहा जाता है। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है, एक तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसका रूपक, सारंग ओट तजे कुल अंकुश है ना, ये यहां पर इसमें क्या है कि यह रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रोम नख सिख सब निरखत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसके अलावा मीरा के प्रभु गिरधर के बिन पल भर रयो ने जा, यानी जैसे अनुप्रास और रूपक का प्रयोग हुआ है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग हुआ है और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की गई है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आ गया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे कि इसमें से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, तीन प्रश्न होंगे
और बाकी इनकी व्याख्याएं होगी। लगभग इसी प्रकार लगभग 30 या 40 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मीरा पूर्ण रूप से आपके क्लियर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।